एक्ट्रेस मौनी रॉय आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने टीवी की दुनिया से अपने करियर की शुरुआत की और बड़े पर्दे पर भी अपना जलवा जमकर दिखाया। हालांकि कोई नहीं जानता होगा कि मौनी ने अपने सपने पूरे करने के लिए अपने पापा का सपना तोड़ दिया था। आज के इस पैकेज में आपको उसी के बारे में बताएंगे। मौनी रॉय का जन्म पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में हुआ था। एक इंटरव्यू में मौनी ने बताया था कि उनके पापा उन्हें IAS अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके मन में बचपन से ही एक्ट्रेस बनने की तमन्ना थी। जब वो दिल्ली आई तब वो पत्रकार बनने की कोशिश में लगी हुई थी। इसके लिए उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन में एडमिशन भी लिया था। हालांकि उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। मौनी रॉय ने अपने करियर की शुरुआत बतौर बैकग्राउंड डांसर की थी। इसके बाद वो एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में नजर आई। इस सीरियल में उन्होंने कृष्णा तुलसी का किरदार निभाया था। हालांकि टीवी सीरियल नागिन ने मौनी को घर घर में मशहूर कर दिया और इसके अलावा वो महादेव, कस्तूरी, दो सहेलियां, जुनून, ऐसी नफरत तो इश्क कैसा आदि सीरियल्स में भी नजर आई। हर सिलेबस की तरह मौनी रॉय के भी अफेयर्स के चर्चे खूब लाइमलाइट में आए थे। उनका नाम पुलकित सम्राट, मोहित रैना, गौरव चोपड़ा, अयान मुखर्जी के साथ जुड़ चुका है और आखिर में मौनी रॉय को अपना जीवन साथी सूरज नंबियार में दिखा। दोनों ने बड़ी धूमधाम से करीबी दोस्त और रिश्तेदारों के बीच शादी रचाई थी। साल 2019 में सूरज और मौनी की पहली मुलाकात दुबई में हुई थी। उस वक्त पहली नजर में ही मौनी को सूरज से प्यार हो गया था। दोनों ने पहले एक दूसरे को जाना, समझा और परखा, फिर शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। शुरुआत में मौनी ने अपने रिश्ते को दुनिया की नजरों से बचाकर रखा। वो इस पर बात करने से बचती थी, लेकिन जब अक्सर सूरज और मौनी साथ देखे जाने लगे तो इस बात को समझते देर न लगी कि ये दोनों प्यार में हैं। लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद सूरज नंबियार संग मौनी ने डेस्टिनेशन वेडिंग की थी। मौनी रॉय बड़े पर्दे पर भी अपनी अदाकारी का जादू दिखा चुकी हैं। उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके अलावा वो रोमियो, अकबर, वॉल्टर, मेड इन चाइना आदि फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। हाल ही में वो आलिया भट्ट और रणवीर कपूर स्टारर ब्रह्मास्त्र में भी नजर आई थी। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।